देख सकते हो आज लड़के हैं पूरे 8 स्नेक जंगल छोड़ने के लिए, घने जंगल में सुरक्षित वातावरण में छोड़े जा रहे हैं, और 8 में से शायद 2 सांपों को छोड़ के बाकी सब जहरीले हैं। ज़्यादातर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और ये खुल रहा है ढक्कन स्पेक्टिकल कोबरा का, ढक्कन खुल चुका है। और ये देख सकते हो क्या गंद मचा रखी थी इसने मेंढक निकाल के बाहर, और ये पेड़ के अंदर जा चुका है। दिखाते हैं नेक्स्ट सांप, और ये देख सकते हो ये रेड स्नेक है, ये दूसरा स्नेक छोड़ा जा रहा है। इंडियन रेड स्नेक बहुत उत्सुक है और बहुत ही तेज़ी से घने जंगल की ओर बहुत तेज़ी से भाग चुका है। दिखाते हैं तीसरा स्नेक, इंडियन रेड स्नेक, और ये भी बहुत उत्सुक है भागने के लिए, और डब्बे में बार बार मार रहा है और काफ़ी तेज़ी से। ओ भाई इतनी रफ्तार कि पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। और अब दिखाते हैं भारत का सबसे जहरीला सांप, इंडियन कॉमन पेथ साइलेंट किलर रात्रि चर स्नेक। चल भाई इधर, ऐसी खास बात है ज़्यादातर दबने पर काटता है। और ये निकल चुका है और बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है, और ये जा चुका है पेड़ के अंदर और अपनी जान बचाते हुए। और ये देख सकते हो छिप रखा है, और ये जा चुका है पेड़ के अंदर। दिखाते हैं नेक्स्ट सांप, और ये देख सकते हो पांचवा स्नेक, इंडियन कॉमन करेट, ये भी भारत का सबसे जहरीला सांप। ये पकड़ा रात को इसने तो भाई 1 घंटा खा दिया, और ये देख सकते हो ये थोड़ा तिड़कता भी है, और ये भाग रहा है घने जंगल की ओर काफ़ी तेज़ी से। दिखाते हैं अगला सांप, और ये देख सकते हो छठा स्नेक, और ये आ चुका है इंडियन कॉमन करेत यहीं पर, और नाग भी निकलने वाला है। और ये बहुत ही उत्सुकता से निकला और घने जंगल में जा रहा है, ये भाग चुका है और कॉमन करेत ऊपर की ओर। 6 सांप जंगल छोड़ दिए गए हैं, और दिखाते हैं 7वां स्नेक, ये देख सकते हो फुल बिग साइज इंडियन कॉमन करेत, भारत का सबसे जहरीला सांप। आज 3 कॉमन करेत छोड़े गए हैं, और 3 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और 2 रेड स्नेक, और ये काफ़ी मोटा ताजा है, कोई भरोसा नहीं कि अंडे बच्चे देने वाला हो। ये थोड़ी हरकत कर रहा है, अंदर ही अंदर तिड़क रहा है, ये निकलना नहीं कर रहा। निकल जा भाई, और काफ़ी देर से अब इसे गिराई देते हैं। और ये निकल चुका है बिग साइज इंडियन कॉमन करेत, आप देख सकते हो ये बिग साइज, ये तिड़कता भी है, और ये हरकत करके ये घने जंगल में जा चुका है। और ये पेड़ में घुस गया, ये पेड़ के अंदर जा चुका है। दिखाते हैं लास्ट स्नेक, बहुत ही सुंदर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसके देखने में सुंदर 2 फनों का डिज़ाइन आ रखा है,
आप गर्दन से देख सकते हो, इसका दो डिजाइन रखे हैं, दो सांपों के डिजाइन, एक ही सांप के फने में, एक ही गले के पास और एक ही ऊपर, दो निशान दो नागों के। और दिखाते हैं इसे छोड़ते हुए, स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे 8 सांपों को जंगल रिलीज कर दिया गया है। और ये निकल चुका है और काफी तेजी से इस पेड़ के अंदर। और ये पेड़ के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्हें घना जंगल में छोड़ा गया, इसी के साथ बाय बाय।